टोकरी वाली चुड़ैल और बहादुर चिंटू। रामपुर नाम के एक गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीच में खंडहर नुमा किला था, जिसमें चुलबुली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। जगह वीरान और डरावनी होने के कारण उस किले के आसपास कोई नहीं जाता था। चुलबुली चुड़ैल को बच्चों से बहुत घृणा थी। उसे बच्चों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। वो अक्सर गांव के आसपास मंडराते रहती थी और किसी भी बच्चे को अकेला पाकर उसे चुरा कर इसी खंडहर में बंद कर देती थी। मैं इस जंगल की रानी, मुझे आज एक और बच्चे की आवश्यकता है, क्योंकि मैं उसे रोते और चीखते हुए देखना चाहती हूँ। बड़ा मजा आएगा। चलो गांव की तरफ चलती हूँ। चुलबुली चुड़ैल गांव के पास घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक अकेले खेलते हुए बच्चे पर पड़ी। आज अच्छा मौका है, बच्चा अकेला घूम रहा है और अगल बगल भी कोई नहीं है। चलो भेष बदल कर बच्चे को पहला कर चुरा लेती हूँ। तभी चुड़ैल अपना भेष बदल कर एक सुंदर औरत के रूप में बदल जाती है और खिलौने वाली बनकर पहिया चलाते हुए बच्चे को रोककर कहती है, रुको बच्चे, तुम मेरी बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम्हें खिलौने पसंद है? हाँ आंटी, मुझे खिलौने बहुत पसंद है। और आपकी टोकरी में इतने सारे खिलौने? हाँ हाँ गोलू, ये सारे खिलौने तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों के लिए ही हैं। क्या आप मुझे वो गुड़िया देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। लेकिन लेकिन क्या आंटी? लेकिन मेरी एक शर्त है गोलू। कैसे शर्त आंटी? मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों का घुमाना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुम इस खिलौने की टोकरी में बैठ जाओ और मैं तुम्हें पूरे गांव की सैर कराऊंगी और ढेर सारे खिलौने भी दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, अब तो और भी मजा आएगा। गोलू जैसे ही टोकरी में बैठा, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती और टोकरी सहित उड़ने लगती है, जिससे गोलू बहुत डर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है आंटी, टोकरी उड़ कैसे सकती है? तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अरे तुम कौन हो? मम्मी बचाओ, मम्मी 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 बचाओ, मम्मी बचाओ। शोर करोगे तो मैं तुम्हें कच्चा चबा। बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ मम्मी। अरे आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मम्मी, क्योंकि सुनसान खंडहर की तरफ कोई आता ही नहीं। बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ मम्मी 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 मम्मी। चुड़ैल टोकरी सहित अपने खंडहर नुमा किले में चली जाती है और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। समय बीतता गया। इसी तरह से गांव के कई बच्चे गायब हो गए, जिससे ग्रामवासी काफी चिंतित हो गए और इसी बात पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई गई। भाइयों, हमारे गांव के कई बच्चे गायब हो गए हैं, यह बहुत ही चिंता की बात है। वो खिलौने वाली औरत जब भी हमारे गांव आती है तो एक मुसीबत लेकर आती है, एक बच्चा गायब हो जाता है, मुझे तो उसी पर शक है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो हमेशा शाम के समय ही आती है। मुझे लगता है कि हमें इस औरत की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक तरकीब है, इस योजना में एक बच्चे का सहयोग भी जरूरी है। मैं सहयोग करूंगा उस दुष्ट को मजा चुकाने में। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को इस मुसीबत में नहीं डाल सकती। नहीं बहन, चिंटू अकेला नहीं रहेगा, हम सब ग्रामवासी उसके आसपास ही छिप कर रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब साथ रहेंगे, हम सब चिंटू के साथ ही रहेंगे। योजना के मुताबिक चिंटू शाम के समय अकेला खेलने लगता है और ग्रामीण लाठी भाला इत्यादि हथियार के साथ छिपकर चुड़ैल का इंतजार करते हैं। तभी चुड़ैल आती है और अपना भेष बदलकर चिंटू के पास आती है और उसे खिलौने का लालच देकर टोकरी में बैठने की शर्त रखती है। कहाँ जा रहे हो बच्चे? पतंग उड़ाने आंटी।
क्या तुम्हें मेरे खिलौने पसंद नहीं है? नहीं नहीं, बहुत पसंद है और आपके खिलौने अच्छे भी हैं। मैं सारे खिलौने तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त आंटी? मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और बच्चों को घुमाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुम इस खिलौने की टोकरी में बैठ जाओ और मैं तुम्हें पूरे गांव की सैर कराऊंगी और तुम्हें ढेर सारे खिलौने भी दूंगी। अच्छा, खिलौने लेने के लिए मुझे टोकरी में बैठना पड़ेगा? ठीक है, मैं टोकरी में बैठूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है आंटी। तेरी शर्त? तेरी कौन सी शर्त है बच्चे? पास के घर में मेरा दूसरा भाई भोलू अकेला बैठा है, उसे भी साथ बैठाना होगा। यह सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और मन में सोचती है, आज अच्छा मौका है, मुझे एक साथ दो दो शिकार मिल रहे हैं, क्यों ना दोनों को ही एक साथ ले चलूं। चलो लाती हूँ भोलू को भी। अच्छा, तो तुम्हारी ये शर्त है? चलो बच्चे, मुझे वो घर बताओ जिसमें भोलू है। इस तरह दोनों थोड़ी दूर चलते हैं, तभी चिंटू एक घर की ओर इशारा करता है। इसी घर में भोलू है आंटी। अच्छा तो ठीक है, मैं भोलू को लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी, आप भोलू को लेकर आइए, मैं यहीं पर हूँ। और यह सोचकर चुड़ैल भोलू को लेने उस खाली घर में घुसी। तभी बहादुर चिंटू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और ग्रामवासी इकट्ठा होकर उस घर में ही आग लगा देते हैं और इस प्रकार से एक दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाता है। रंगा बिल्ला और चुड़ैल। राधा और श्याम शहर में कमाने गए थे। वहाँ वे दोनों ठेला लगाकर छोले भटूरे बेचने का काम करते थे। राधा, शहर में आए हम लोगों को काफी दिन हो गए हैं, अब हमें कुछ समय के लिए अपने गांव भी चलना चाहिए। गांव का मकान पुराना हो गया है और उसकी मरम्मत भी जरूरी है। हाँ हाँ, तो चलो। मैंने कब मना किया है, हम लोग गांव चलते हैं। हम लोगों के पास मकान के मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं और गांव के लोगों से मिल भी आएंगे। इस प्रकार से दोनों गांव जाने के लिए बस में सवार हो गए, लेकिन बस समय पर नहीं पहुंचा सकी और बीच रास्ते में ही काफी अंधेरा हो गया। आगे गांव तक जाने के लिए इस वक्त कोई दूसरी सवारी भी नहीं थी। अगल बगल आबादी का नामो निशान नहीं था, इसलिए ठहरने का भी कोई इंतजाम नहीं हो सकता था। राधा, अभी हमें काफी दूर जाना है। हाँ, तो और कर भी क्या सकते हैं, यहाँ ठहरने का कोई इंतजाम भी तो नहीं है। चलो पैदल ही गांव चला जाए, आधी रात तो हो ही चुकी है, सुबह तक हम लोग गांव पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, चलो चलते हैं। इस तरह से दोनों पैदल ही गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में दो लुटेरे रंगा और बिल्ला गुजर रहे थे, तभी दोनों की निगाह राधा और श्याम पर पड़ी। अरे बिल्ला, देखो दो ग्रामीण अकेले जा रहे हैं। अरे हाँ बीड़ू, लगता है दोनों शहर से कमा कर अपने गांव जा रहे हैं। तो चलो दोनों को लूट लेते हैं। चल रंगा, मेरे साथ आ जाइयो। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो तेरे पास जो कुछ भी है उसे हमारे हवाले कर दे, वरना मेरी चाकू अपना काम कर जाएगी। और मेरी पिस्तौल भी। पिस्तौल? तुम कौन हो? हम लोग लुटेरे हैं और आते जाते राहगीर को लूटना हमारा धंधा है। लेकिन हमने बहुत कड़ी मेहनत से यह पैसे कमाए हैं और मेरी वर्षों की इच्छा थी कि गांव के मकान की मरम्मत करवाकर उसे सुंदर बनाया जाए। उसके लिए फिर कभी पैसे कमाकर इकट्ठा कर लियो। अभी तुम्हारे पास जो भी है उसे हमारे हवाले कर दे। लेकिन? अरे लेकिन क्या, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें और भी जगह जाना है। ठीक है, ये लो जो कुछ कमाया था सब इसी थैले में है। और अपनी पत्नी से कहो अपने गले का हार भी निकाल कर मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं, ये हार मेरी माँ की निशानी, ये मैं कैसे दे दूँ। अरे जान प्यारी है,
तो चुपचाप दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ठीक है, देती हूँ, ये लो, ऊपर वाले की जैसी इच्छा। राधा जैसे ही अपना हार रंगा को देने लगती है, तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ विस्मयकारी दृश्य उत्पन्न होता है और एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। और चुड़ैल के झटकों से रंगा और बिल्ला घायल हो जाते हैं। अरे कौन हो तुम? मैं हर उस दुष्ट का अंत कर देती हूँ जो राह चलते सीधे साधे राहगीरों को तंग करते हैं और उन्हें लूटने का काम करते हैं। जितनी जल्दी हो सके सारा सामान छोड़कर पैदल ही भागो, वरना तुम दोनों का अंत निश्चित है। अरे बाप रे, जान बचाकर भागो रंगा, भागो भागो, जल्दी यहाँ से भागो। हाँ बिल्ला, भागो, जल्दी भागो, भागो, जल्दी भागो रंगा। हाँ बिल्ला, जल्दी भागो, जल्दी भागो। हमारी जान और सामान की रक्षा करने वाली तुम कौन हो? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को दुखी करने वाले दुष्टों से मुझे सख्त नफरत है। क्या चुड़ैले अच्छी भी होती है? क्यों नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम दोनों अपने घर जाओ, काफी रात हो चुकी है। तुम चाहो तो उन दुष्टों के बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से राधा और श्याम दोनों अपने गांव पहुंच गए और वर्षों से अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत करने में जुट गए।